नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कोलियोडॉन पर सबसे ज्यादा बनने वाले प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और जो कि टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर और नीट की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए देख लिया जाए इन प्रश्नों को, ठीक है। तो दोस्त यह रहा आज का पहला प्रश्न, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, देखिए जरा क्या कह रहा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है, यहां पर कह रहा है कि एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इन सम फिशेस इज, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी देख रहे हैं दोस्त, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। कब आ चुका है? पीजीटी बायोलॉजी 2011 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इन सम फिशेस इज, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी जो कुछ मछलियों में होता है एक है। अब क्या है, किसकी तरह यह कार्य करता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, यह कह रहा है, कह रहा है टैंगो रिसेप्टर है कि कीमो रिसेप्टर है कि थर्मो रिसेप्टर है, A6 ऑर्गन है। यह क्या है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, ठीक है। आप देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम आपको बता दें दोस्त इसका राइट आंसर क्या है, थर्मो रिसेप्टर अर्थात यह हीट, हीट ठीक है, हीट टेम्परेचर इससे यह संबंधित है, ठीक है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ये रहा है आज का दूसरा प्रश्न दोस्त। देखिए जरा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है वीनस हार्ट इज फाउंड इन, वीनस हार्ट किसमें पाया जाता है, इस हार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वीनस हार्ट किसमें पाया जाता है, ठीक है। वीनस हृदय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कह रहा है स्नैक में पाया जाता है कि फ्रॉग में पाया जाता है कि फिश में पाया जाता है कि पिजन में पाया जाता है, कबूतर में। अब यह भी आप देख रहे हैं कि पीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें वीनस जो हार्ट किसमें पाया जाता है, वह पाया जाता है फिशेस में, और मोस्टली फिशेस में भी किसमें, स्कोलियोडॉन में। तो दोस्त ये रहा स्कोलियोडॉन, ये भी रहा स्कोलियोडॉन, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमने लैटरल साइड से इसको दिखाया है और ये आपको वेंट्रल साइड से दिखाया हमने। यह वेंट्रल साइड है, कौन सा साइड है दोस्त, ये है वेंट्रल साइड और ये है लैटरल साइड, ठीक है, लैटरल साइड, ठीक है। अगर आपने स्कोलियोडॉन का लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, हमने लिंक दे रखा है स्कोलियोडॉन से संबंधित लेक्चर के बारे में, उस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीनस हार्ट हमने बताया किसमें पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्पाइरल वाल्व, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, देखिए जरा स्पाइरल वाल्व कह रहा है, स्पाइरल वाल्व इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ, स्पाइरल वाल्व किसके आहार नाल में पाया जाता है, ठीक है। स्पाइरल वाल किसके आहार नाल में पाया जाता है, कह रहा है फ्रॉग में कि स्कोलियोडॉन में कि पिजन में कि रैबिट में, और यह है यूपीपीसीएस प्री 1999 का क्वेश्चन है दोस्त। यह किसमें पाया जाता है, इसका राइट आंसर है स्कोलियोडॉन, ठीक है। स्पाइरल वाल किसमें पाया जाता है, स्कोलियोडॉन में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते, क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है इंडोस्केल्टन ऑफ स्कोलियोडॉन मेड अप ऑफ, जो इंडोस्केल्टन होता है स्कोलियोडॉन का किसका बना होता है, ठीक है। स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल बना होता है, स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल किसका बना होता है, ऐसा कह रहा है स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल किसका बना होता है, कह रहा है कार्टिलेज का, उपास्थि का बना होता है, कह रहा है बोन्स का, हड्डियों का बना होता है कि स्केल्स का बना होता है कि प्लेट्स का बना होता है। इसका अंतः कंकाल दोस्त इंडोस्केल्टन, आप जानते हैं कि इलास्मोब्रांकी का है यह, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिस का है यह, अर्थात इसमें जो है बोन नहीं होती है, अर्थात इसमें जो अस्थि नहीं बल्कि उपास्थि होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज उपास्थि होती है, ठीक है, इसमें इंडोस्केल्टन। इस कारण से इसका जो ऑपरेशन है वो आसानी से किया जाता है, क्योंकि इसमें बोन्स नहीं होती हैं, इसमें क्या होती है, कार्टिलेज होता है, ठीक है, कार्टिलेज होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर पांच क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इरिथ्रोसाइट्स इन स्कोलियोडॉन आर, ठीक है, स्कोलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं, स्कोलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं, यह पूछ रहा है। तो देखिए स्कोलियोडॉन की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं दोस्त, वह कैसी होती हैं, कह रहा है सर्कुलर न्यूक्लिएटेड होती हैं, गोल केंद्रक युक्त होती हैं कि सर्कुलर
ई न्यूक्लियोटेड होती हैं, गोल केंद्रक विहीन होती हैं कि ओवल न्यूक्लियोटेड होती हैं कि ओवल ई न्यूक्लियोटेड होती है। इसका जो राइट आंसर है, देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2013 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, ओवल न्यूक्लियेटेड, ओवल न्यूक्लियेटेड इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डॉग फिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप, ठीक है। डॉग फिश आप जानते हैं, स्कोलियोडॉन का दूसरा नाम क्या है, डॉग फिश है। इसे कुत्ता मछली भी कहते हैं क्योंकि इसका स्नाउट होता है ना, वीनस हर्ट पाया जाता है इसमें। तो कह रहा है डॉग फिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आती है, कह रहा है इग्नेथा के अंतर्गत आती है कि नेथोस्टोमेटा में आता है कि ई सिलोमेटा में आता है, स्क्वायमेटा में आता है, किस में आता है। तो हम आपको बता दें दोस्त, देखिए जबड़ा नहीं, किस में आता है, नेथोस्टोमेटा में आता है, ठीक है, जबड़ा युक्त है, नेथोस्टोमेटा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, नेथोस्टोमेटा। डॉग फिश किससे रिलेटेड है, किस ग्रुप से, नेथोस्टोमेटा इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगले प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है स्क्रॉल वाल्व, देखिए स्क्रॉल वाल्व, स्पाइरल वाल्व हमने कहा, तो आप कह सकते हैं कि स्पाइरल वाल्व अथवा स्क्रॉल वाल्व, ठीक है। तो स्क्रॉल वाल्व इज फाउंड इन, तो आप कंफ्यूजन में नहीं आएगा, चाहे स्पाइरल वाल्व कहे चाहे स्क्रॉल वाल्व कहे, तो किसमें पाया जाता है दोस्त, कह रहा पिजन में, फ्रॉग में, कि यूरोमास्टिस में, स्कोलियोडॉन में, किसमें पाया जाता है, स्कोलियोडॉन में। देख रहे हैं आप पीजीटी बायोलॉजी 2009 में इस तरह से घुमा करके पूछ लिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, स्कोलियोडॉन। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसको भी देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी फिर से आ गया, ठीक है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी इन स्कोलियोडॉन रिस्पॉन्ड टू, यह किसके लिए उत्तरदायी होता है, एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी, कह रहा है स्कोलियोडॉन में एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी प्रतिक्रिया दिखाता है, किसके प्रतिक्रिया दिखाता है। अभी हमने कहा था थर्मोरिसेप्टर, वहां पर ऐसा टर्म आया था अगले प्रश्न में, पहले ही प्रश्न में, अब यहां पर क्या कह रहा है कि लाइट के लिए, हीट के लिए, टच के लिए और करंट के लिए, धारा के लिए, तो किसके लिए यह प्रतिक्रिया करता है, तो यह प्रतिक्रिया करता है हीट के लिए, किसके लिए, ताप के लिए यह प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किडनीज आर ऑपिस्थोनेफ्रिक इन, यानी वृक्क जो होता है ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी किसमें पाया जाता है, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है स्कोलियोडॉन, यूरोमास्टिस, कोलंबा और राना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन में ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, ठीक है। आप लेक्चर में हमारे जाकर के देख भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न देखिए जरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर फाउंड इन, देखिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स कह रहा है किसमें पाया जाता है, देखिए नर्व कार्ड, नोटो कार्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये कॉर्डेट के तीनों कैरेक्टर हैं, कॉर्डेट के तीनों कैरेक्टर हैं, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नर्व कार्ड, नोटो कार्ड, ये सभी देखिए। अब डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड आपने पढ़ा था, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पढ़ा था, नर्व कार्ड पढ़ा था, तो देखिए कॉर्डेट कौन है, कटल फिश तो है नहीं भाई सीपिया, क्रेफिश है नहीं, ठीक है, ऑक्टोपस तो है नहीं, समझ रहे हैं, मोलस्का उलस्का गए हैं, और डॉग फिश है, ये है डॉग फिश, तो इसका सही उत्तर क्या है, डॉग फिश, चाहे इसमें आप गुल्ला मार दीजिए, चाहे इसमें टिक मार दीजिए, ठीक है, डॉग फिश। और देख रहे हैं ये नीट का है एग्जाम, नीट का है ये क्वेश्चन, सीपीएमटी 1974 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा देखा जाए। अगला प्रश्न है देखिए कह रहा है कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस उपास्थि वाली जो फिशेस होती हैं, इलास्मो ब्रोंकी की जो फिशेस होती हैं, डू नॉट हैव, क्या क्या उसमें नहीं होता है, कह रहा है कुल मिला के कार्टिलेजिनस क्या है, स्कोलियोडॉन है, स्कोलियोडॉन में कह रहा है कि क्या नहीं होता है, कह रहा है अपर कुलम नहीं होता है, स्केल्स, इसमें स्केल्स तो होती है, प्लेकॉइड स्केल मैंने बताया था वो त्रिशूल वाला, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें स्केल्स, ठीक है, त्रिशूल वाला स्केल्स तो होती है, गिल स्लिट्स बिल्कुल गिल स्लिट्स होती है इसमें, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो कि कॉर्डेट का कैरेक्टर ही है, ठीक है, यह भी होती है, पेल्विक फिन्स, भाई पेल्विक फिन्स भी है इसमें, ठीक है, काउडल फिन्स है, ये काउडल फिन्स है। अब यहां पर यह क्या था, यहां पर था इसका क्या, पेल्विक फिन्स था, पेल्विक फिन था, ठीक है, तो इसमें पेल्विक फिन भी उपस्थित है, तो इसमें क्या नहीं है भाई, इसमें अपर कुलम नहीं है, इसका ये सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखें, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विच इज वीवी पैरस, यानी वीवी पैरस मतलब बच्चे देने वाले, वीवी पैरस मतलब क्या, बच्चे देने वाले, ठीक है, फिशेस क्या करती है, अंडे देती हैं, बट कह रहा है बच्चे देने वाली कौन है इसमें से, कह रहा बोनी फिशेस हैं,
कि लंग फिश है कि फ्रॉग है कि शार्क है, ठीक है। तो ये भी नहीं है विविपेरस, लंग फिश भी नहीं है और फ्रॉग भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें है कौन? शार्क, ठीक है। शार्क एक प्रकार की कौन है? ये स्कॉलियोडॉन ही है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा है? शार्क है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है प्लेकॉइड स्केल, ये वाली स्केल भाई, ये वाली त्रिशूल वाली स्केल ऐसा कह रहा है। प्लेकॉइड स्केल ऑकर इन किस में पाया जाता है? लिजार्ड में कह रहा है पाया जाता है कि टोड में पाया जाता है कि कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है कि बोनी फिश में पाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है क्या, सॉरी, इसका सही उत्तर है कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेस इज द राइट आंसर, सी इज इसका सही उत्तर है, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स आकर इन कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें जरा प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा हार्ट पंप्स इम्प्योर ब्लड, जो हार्ट होता है वो अशुद्ध रक्त को पंप करता है, किसमें पंप करता है? एनसीईआरटी 1983 का क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ट पंप्स इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त को कौन पंप करता है? कह रहा फ्रॉग में होता है कि शार्क में होता है कि लिजार्ड में होता है कि व्हेल में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई? ये आप ध्यान रखिएगा कि हार्ट पंप से इम्प्योर ब्लड, इसका सही उत्तर क्या है? शार्क, ठीक है। शार्क वो भी कौन सा? आप जान रहे हैं स्कॉलियोडॉन, ठीक है, स्कॉलियोडॉन। तो अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है इन शार्क, शार्क में यानी स्कॉलियोडॉन में द स्केल्स आर, तो बताएं स्केल्स कैसा होगा इसमें, स्केल्स इसका स्केल्स कैसा होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में हमारी कमेंट करके आप बताइए, ठीक है, कि स्कॉलियोडॉन में स्केल्स जो होता है वो कैसा होता है। अभी मैं बार बार बात कर चुका हूँ इसको पीछे भी, ठीक है। तो इसका आप कमेंट में प्रश्न नंबर 15 का जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखिए 16 में कह रहा है कार्टिलेजिनस फिशेस आर जनरली, कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं? कह रहा विविपेरस होती हैं, कि देखिए अब आपको बता दें कार्टिलेजिनस केवल एक ही है, यही है जो विविपेरस होती है, ठीक है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जनरली कह रहा है, सामान्यतः कह रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा मैराइन होती हैं कि फ्रेश वाटर में रहती हैं कि हर्माफ्रोडाइट्स होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं? मेल फीमेल भी अलग अलग होती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? मैराइन होती हैं। कैसी होती हैं दोस्त? मैराइन, ठीक है, मैराइन अर्थात ही लवणी जल में होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 17 कह रहा है द मोस्ट पॉइजनस फिश इज, द मोस्ट पॉइजनस फिश यानी सबसे जो विषैली मछली है वह कौन सी है, पॉइजनस कौन सी है, विष वाली। कह रहा है पर्कोपाइन फिश, ठीक है, पोर्कप पाइन फिश, और दूसरा कह रहा है स्टोन फिश, तीसरा कैट फिश, और चौथा स्कॉर्पियन फिश। तो इसमें जो पॉइजनस फिश है वो कौन सी है दोस्त? आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है, बताएंगे तो चलिए इसका भी उत्तर नहीं हम बता देते हैं। देखिए इसका उत्तर है स्टोन फिश, ठीक है, कौन सी है? स्टोन फिश इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं राइट नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, करिए कमेंट और बताइए फटाक से, ठीक है, देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, इसको देखें, फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ, फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ, किसका अच्छा स्रोत है, मछलियां किसके अच्छी स्रोत होती हैं? कह रहा कार्बोहाइड्रेट की अच्छी स्रोत है कि प्रोटीन की है कि फैट की है कि मिनरल्स की है, किसकी अच्छी स्रोत है? मछलियां, ठीक है। तो हम आपको बता दें किसकी अच्छी स्रोत है, ये अच्छी स्रोत है प्रोटीन की, किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े हम, अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 19 में कर रहा है स्कॉलियोडॉन इज कॉमनली कॉल्ड डॉग फिश, यानी स्कॉलियोडॉन का सामान्य रूप से क्या कहते हैं? कुत्ता मछली कहते हैं। ड्यू टू किसके कारण? वन ऑफ इट्स फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स, यानी निम्न में से एक लक्षण के कारण इसको क्या कहते हैं? डॉग फिश कहते हैं। वो लक्षणवा कौन सा है आपको बताना है, कौन सा है? कैरागेट माउथ कार्निबोरस पावर ऑफ फिशमेल, इसका सही उत्तर क्या है? तो हम आपको बता दें इसका उत्तर है डी नंबर, पावर ऑफ फिशमेल। इसमें सूंघने उंघने की बहुत तगड़ी क्षमता होती है, ठीक है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ये पावर ऑफ स्मेल, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? पावर ऑफ स्मेल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर
20 आ गया. कराइस इलास्मोब्रांकी इज द ग्रुप दैट इंक्लूड्स. इलास्मोब्रांकी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या उपस्थित होती है, करा बोनी फिश होती है कि लंग फिश होती है कि कार्टिलेजिनस फिश होती है कि लैम्प्री और हैग फिश होती है, कौन होती है इसमें, ठीक है, इलास्मोब्रांकी में, ये आपको बताना है. नहीं तो हम बता देते हैं आपको इसका सही उत्तर क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस. कार्टिलेजिनस फिशेस इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते भाई. अगला 21 आ गया, ये रहा 21. कह रहा है काउडल फिन, काउडल फिन, काउडल फिन कहां है, काउडल फिन, काउडल फिन, काउडल फिन, ये रहा काउडल फिन, काउडल फिन. कह रहा है ये रहा काउडल फिन, इसकी टेल. कह रहा है कैसी होती है सार्क में काउडल फिन, कैसी होती है, हेट्रो सर्कल होती है कि होमो सर्कल होती है कि प्रोटो सर्कल होती है कि आइसो सर्कल होती है, कैसे होती है. देखिए अगर हम कहें होमो सर्कल तो वैसे भी फिश में ऐसे होगी जो इसकी फिश होती है ई बराबर ई, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन बड़ा है, ये वाला पोर्शन छोटा है, तो इसको ये देखिए ये वाला पोर्शन बड़ा है. अब इसमें जो है ये नोटोकार्ड इसमें केवल गई है, नरोकार्ड इसमें नहीं आई है, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रो सर्कल. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, हेट्रो सर्कल. ये क्वेश्चन आ भी चुका है. तो अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न क्या है उसको देख लिया जाए. कह रहा है मरमेड्स पर्स रिफर्स टू, और यही क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में आपको दिया था. ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को दिया था करने के लिए. मरमेड्स पर्स रिफर्स टू किससे यह रिफर करता है, मरमेड्स पर्स, यह क्वेश्चन अभी चुका है और आने की संभावना है. कह रहा है इग कैप्सूल्स ऑफ सार्क एंड स्कैट्स, और दूसरा कह रहा है एक कॉलोनी ऑफ स्कैट्स एंड रेस, दूसरा तीसरा कह रहा है ब्रूड पाउच ऑफ सी हॉर्स ऑल ऑफ दीज. तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हम आपको बताते हैं, इसका सही उत्तर है ए, ए इज द राइट आंसर. ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 का. ठीक है, तो चलिए आज के हमारे लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर के. यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. ओके, थैंक यू.